ଶିକ୍ଷାର ଭାରତୀୟକରଣ କରିବା ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2017 ମସିହାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ RRF। ଏଇ RRF କ'ଣ, କାହିଁକି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋଲାର ଏବଂ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି RRF सेक्रेटरी अच्छा राजेंद्र पाठक सर। सर आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये RRF संगठन क्या है, इसके पूरा हिस्ट्री क्या है, ये हमारा दर्शक जानना चाहते हैं। ये RRF है। RF है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन। भारतीय शिक्षण मंडल जो है जी, ये इसका मूल संगठन है जी। भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना 1969 रामनवमी के दिन मुंबई में हुई थी और विगत 52 वर्ष में यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते समय शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए जी। भारतीयकरण होना चाहिए, इसका कारण क्या, तो जब तक के भारत की दृष्टि से शिक्षा का प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ेगा, उसका अभ्यास नहीं होगा, तब तक के ठीक से हम भारत को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं जी। और हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जब तक भारतीय दृष्टि से शिक्षा की तरफ नहीं देखेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनमें एक स्वाभिमान की जागृति नहीं होगी। उस स्वाभिमान के जागृति के लिए यह आंदोलन विगत 52 साल से चल रहा है जी। सर आपने बोले कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन जो काम कर रहा है अभी, वो थोड़ा रिसर्च को ज्यादा ध्यान देते हुए वो काम कर रहा है, तो अभी मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो नो योर रिवर जो आप काम कर रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। उसके पहले थोड़ी सी और एक बात मैं बता दूं, मैंने भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में जो बताया वो 7 बिंदुओं के ऊपर 7 गतिविधियों में काम कर रहा है जी। जिसमें है अनुसंधान, शैक्षिक प्रकोष्ठ, शालेय प्रकल्प, गुरुकुल प्रकल्प, महिला प्रकल्प, युवा आयाम और प्रकाशन विभाग जी। अब ये 7 गतिविधियों में अनुसंधान का जो हमारा प्रकल्प है, प्रकोष्ठ है, वह सबसे एक नंबर पे, पहले नंबर पे है जी। हम विगत 52 सालों से काम कर रहे भारतीय शिक्षण मंडल में, मैंने बताया जी। 2016 में नागपुर विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय शिक्षण मंडल दोनों के तत्वावधान में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोग जुड़े, करीब 750 से ज़्यादा उसमें रिसर्चर्स जुड़े थे। वो सब जुड़ने के बाद में 3 दिन का बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस हो गया, चर्चाएं हो गई, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया जी। उस समय की HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी वहाँ आई थी जी। और उन्होंने एक दृष्टि दी, चर्चा की कि ये जो अनुसंधान के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन इसको स्थायी रूप देना चाहिए जी। और उसको स्थायी रूप देने के लिए वो जो विषय था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, उसी को फाउंडेशन जोड़ के रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की 2017 में स्थापना हुई जी। और जैसा कि मैंने बताया, भारतीय शिक्षण मंडल अनुसंधान के क्षेत्र में काम पहले से ही कर रहा था, 7 गतिविधियां अलग अलग थी, तो अनुसंधान का जो क्षेत्र है, उस अनुसंधान के क्षेत्र को पूर्णतः अलग करके और हम उसमें पूर्णतः एक अलग संगठन के माध्यम से, लेकिन जो भारतीय शिक्षण मंडल के मार्गदर्शन में चलेगा, ऐसा पूरा एक संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। 2017 वसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना हुई है, करीब 4 साल होते आ रहे हैं,
और 4 साल में काफी सारा काम इस संगठन ने अनुसंधान के क्षेत्र में किया हुआ है। जी राजेंद्र जी, आप जानते हैं कि ओडिशा हो या फिर कोई अदर स्टेट्स, सभी स्टेट में एक स्पिरिचुअलिटी है, एक कल्चर है कि हम गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, सबको माता के हिसाब से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहा है, मतलब उसका रक्षण बेक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसके हिसाब से आपके संगठन क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। गंगा या जो हमारी पूरी नदियां हैं, गांव की हो या तो बड़ी नदियां हो, गंगा जमुना सरस्वती, हम सबको माँ की तरह मानते हैं। जी। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि एक तरफ हम उसे माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उसमें गंदगी फैलाते हैं। यानी हमने ऐसा मान लिया है कि गंगा में एक डुबकी लगा देना और फिर हमारे जो गंदे कपड़े, हमारे जो वस्त्र है, उसको वहीं पे धो लेना। जी। लेकिन जब हम हमारी माँ मानते हैं तो उसको स्वच्छ रखना, वह गंगा अविरल बहनी चाहिए, वह निर्मल होनी चाहिए, यह हमारा ही दायित्व बनता है। अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते समय हमने यह सोचा कि क्यों न हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चों में, युवाओं में इसके लिए जागृति लाई जाए और नदी को जानो, यह प्रतियोगिता हमने पूरे भारत में लॉन्च की है। इसका लॉन्चिंग हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने किया हुआ है और 30 नवंबर तक इस नदी को जानो प्रतियोगिता में पंजीयन करने के लिए हमने तिथि निश्चित की है। मैं आपके माध्यम से ओडिशा के सभी बच्चों को, सभी छात्रों को, सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि नदी को जानो इस प्रतियोगिता से जुड़ने के लिए, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ने के लिए आप सभी इस प्रतियोगिता में सहभागिता करें और अपना पंजीयन करें। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, कई ऐसे ही बहुत सारे सपोज ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो वो अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर इसमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा आप ब्रीफ करेंगे उसके बारे में? बिल्कुल। एक तो यह प्रतियोगिता है। जी। इस प्रतियोगिता हमने बच्चों में जागृति लाने के लिए शुरू की है। जागृति लाते समय हमने इसमें प्रतियोगिता रखने के कारण संस्थान जो है, जो शैक्षिक संस्थान करके काम करते हैं, उनको आह्वान किया है कि उनके संस्थान से कम 250 बच्चे, 250 स्टूडेंट्स अगर इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीयन करते हैं, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 250 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने वाले संस्थाओं के लिए हमने 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा हुआ है। जी। संस्था के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार और सहभागिता में जो पूरे इस नदी को जानो प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करेगा। जी। जो इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी होगी उसके लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार संस्थागत रूप में 250 के ऊपर वालों को एक हमने जल संरक्षक पुरस्कार घोषित किया हुआ है। जी। यह संस्थागत होगा और संस्था वही इसमें समझी जाएगी जिनकी रजिस्ट्रेशन 250 के ऊपर हुए हैं। Okay. दूसरा जलोपासक, उसका पुरस्कार 51,000 का है और तीसरा पुरस्कार जल साथी 31,000। ओके राजेंद्र जी, हमें बता रहे थे कि ये पूरी प्रतियोगिता के बारे में, लेकिन एक सवाल मन में रह गया, ये जो प्रतियोगिता है इसमें सब भाग ले सकते हैं या फिर सिर्फ स्टूडेंट या पीएचडी स्कॉलर, ये पूरी जानकारी थोड़ा? इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया हुआ है। एक तो 18 वर्ष के आयु वाले बच्चे जो जिनके लिए व्यक्तिगत पुरस्कार हमने जल बाल मित्र करके पुरस्कार रखा हुआ है, जो हर प्रांत में एक पुरस्कार दिया जाएगा
जो 5000 रुपए का होगा, दूसरा 18 से 25 की आयु तक के बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है जल युवा मित्र, जो 5000 के पुरस्कार जो है वह पूरे हर राज्य में एक पुरस्कार ऐसे पूरे देश में मिलेंगे, और तीसरा जो पुरस्कार है जल मित्र, वह यह जिला जल मित्र पुरस्कार जो है वह सभी के लिए ओपन रखा हुआ है। जो भी प्रतिभागी इसमें सहभागिता करना चाहता है वह सहभाग ले, अपना पंजीयन करें और इस प्रांतशाह 5000 के पुरस्कार के लिए वह पात्र हो सकता है। पात्रता का निकष एक ही है कि सबसे ज्यादा सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन और सबसे उपयुक्त इंफॉर्मेशन नदी के बारे में वहां से आनी चाहिए। जी पाठक जी, आप जैसे बोल रहे थे कि सभी को रिसर्च करना चाहिए, लेकिन जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसका थोड़ा मन में ये रहता है कि मैं पढ़ाई कर दूं, सब्जेक्टिव वाइज जो भी कर लूं, एग्जाम दे दूं, उसके बाद मैं जॉब कर लूं, ये हमारी जो माइंड सेटअप है उसको कैसे बदलना चाहिए? मतलब मुझे रिसर्च करना है, उसके बारे में अधिक जानकारियां निकलना है, वो कैसे हम माइंड सेटअप करें? ये जो रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन काम कर रहा है, ये रिसर्च का ही, रिसर्च में काम करने वाले बच्चों का पैराडाइम शिफ्ट करना, रिसर्च का पैराडाइम शिफ्ट करना, इसके लिए काम कर रहा है। और रिसर्च का पैराडाइम शिफ्ट जब होगा, जब रिसर्च मेथडोलॉजी बदलेगी, रिसर्चर्स और सुपरवाइजर्स इनका माइंडसेट चेंज होगा। इनके माइंडसेट चेंज करने के लिए हमने अलग अलग सेमिनार्स वेबिनार्स का अभी तक आयोजन किया हुआ है जी। हम रिसर्च गाइड्स के लिए सेमिनार्स आयोजित करके रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे बदलनी चाहिए, वह भारत केंद्रित कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर उनको मार्गदर्शन करते हैं। और उसका लाभ काफ़ी विश्वविद्यालयों में हुआ है कि उनके यहाँ का रिसर्च जो है वह भारत केंद्रित तो होने के तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। जी देखिए, हम सब जानते हैं कि कॉलेजेस में हम जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएं, जहां भी जाएं हमें वो ही पढ़ाई जाता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है सर। लेकिन अभी आपका फाउंडेशन जो काम कर रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव वाइज भी काम कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, उनको समझा रहा है कि कैसे कैसे हमारे साथ जुड़ना है, और जो नदियाँ हैं जो विलुप्त प्राय हो रहा है उसको कैसे उभर कर आना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन 17 से लेकर 21 तक हो गया, आप क्या क्या ऐसे किए हैं जो कह सकते हैं उदाहरण स्वरूप में? हमने इसमें सबसे बड़ा एक काम किया हुआ है कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन रिसर्च के लिए एक नेटवर्क बना रहा है जी। आज के तारीख में भारत के 141 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज अनुबंधित है रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के साथ। 141 यूनिवर्सिटीज अनुबंधित रहना, यह भारत में अपने आप में सबसे बड़ा रिसर्च नेटवर्क रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन ने निर्माण किया हुआ है जी। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्रीज है, तो एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज, इनका कहीं ना कहीं टाइप होना चाहिए, और उसमें ब्रिज का काम ये रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन कर रहा है। आज के दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो इंडस्ट्रीज का विश्वविद्यालयों पे भरोसा नहीं रहा जी, और विश्वविद्यालयों पे का इंडस्ट्रीज पे भरोसा नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के साथ में काम करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, जो भी विषय होगा जी। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों एक आ जाए। आज इंडस्ट्रीज को अलग अलग विषयों में अनुसंधान की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को अपने अनुसंधान के लिए खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम खड़ी करनी पड़ रही है, जो कि उनका वो विषय नहीं जी। अनुसंधान करना विश्वविद्यालय का विषय है, लेकिन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान इंडस्ट्रीज को जो लगता है वो होता नहीं है, इसलिए यह ब्रिज का काम करके दोनों में आपस में ऐसा एक अनुबंध हो कि अनुसंधान के लिए जो भी उनको आवश्यक सामग्री है, जो खर्चा है,
वो इंडस्ट्री उठाए और इंडस्ट्री को जो आवश्यक वो है वो अनुसंधान विश्वविद्यालय के मार्फत से। ओके आप जानते हैं कि हाल ही में जब हमारे इंडिया में एनईपी लागू हुआ, एजुकेशनल के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, कुछ लोग उसको समझे और कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन एनईपी में वो बात आई कि रिसर्च स्कॉलर को ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसे कैसे भारत को आगे बढ़ाना है अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से। एनईपी भी इसके बारे में काम कर रहा है, आपका फाउंडेशन भी काम कर रहा है, केंद्र सरकार के साथ कुछ बातचीत हुआ है क्या इस बारे में? केंद्र सरकार के बारे में जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी उस समय हमने सजेशंस केंद्र सरकार को, जो समिति बनाई थी केंद्र सरकार ने, उस समिति को दिए हुए जी। और गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सजेशंस थे वह सजेशंस कई मात्रा में जी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। उसका एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो एनआरएफ बना हुआ है, नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क, और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन जो बना है जी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जो गतिविधियां आने वाली है जी, या उसका जो स्वरूप है वो करीब करीब रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के ही पदचिन्हों पे है जी। और यह मैं मानता हूँ कि भारतीय शिक्षण मंडल और रिसर्च और रिसर्जर्स फाउंडेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि जी। सर आप जैसे बता रहे थे कि भारतीय शिक्षण मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे शाखाएं हैं, प्रोजेक्ट भी बहुत सारा कर रहा है, लेकिन आरआरएफ जो कर रहा है अभी रिसर्च के ऊपर ध्यान दे रहा है, कैसे नदियों को जानते हैं लोग और उसके विकसित करने के लिए क्या क्या और इक्विपमेंट्स चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो, कोई खेती भी कर रहा हो, वो एक रिसर्चर है हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि उड़ीसा में हो कहीं अदर स्टेट में हो सभी लोग एक रिसर्चर है, कोई किस उपाय में भी रिसर्च कर सकता है। आपको क्या ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज में हो या फिर एक स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर जो गाइडेंस है उनके अंदर क्या कमी रह जाता है, कोई रिसर्च के इतना आग्रह नहीं होता है? रिसर्च का आग्रह होता है, रिसर्च का जो कीड़ा है वो हर एक के दिमाग में होता है जी, लेकिन पर्टिकुलर समय पे उसे जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे रिसर्च अगर बोला जाए तो विश्वविद्यालयों में ही होगा, ऐसी एक हमारी धारणा बनी हुई है जी। लेकिन रिसर्च ये ऐसी चीज है कि हर समय हर व्यक्ति के दिमाग में होती है, खाली उसको चालना नहीं मिलती, उसमें जागृति नहीं आती। हमारे खेत में काम करने वाले जो किसान है वह भी अलग अलग प्रयोग अपने खेती में करते रहते, उसके उनको लाभ भी होते हैं, लेकिन उसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसलिए उसका नाम नहीं होता या तो उसको रिसर्च कहा नहीं जाता जी। लेकिन अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके पीछे उन्होंने जो काम किया हुआ है वो काम को अगर सबके सामने लाया जाए तो वो भी रिसर्च कहला के वो भी हमारे विश्व के, भारत के काम आ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का जो विश्वविद्यालयों में होगा वह तो सबके सामने आएगा ही, लेकिन जो खेती में होगा उसको भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अगर हम दुनिया के सामने लाए, भारत के सामने लाए, तो वह भी रिसर्च काफ़ी उपयोगी होगा। और इसके साथ में ये मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जो पूछा कि बच्चों में, तो स्कूली छात्र जो है या कॉलेज में पढ़ने वाले, महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी यह जागृति लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। स्कूल जो भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े हैं उनमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को एक मेंटोर दिया जाए, कि हर चार पांच बच्चे के पीछे एक मेंटोर रहे और बच्चे की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए उसके मन में रिसर्च के बारे में जागृति निर्माण की जाए और वो जागृति के माध्यम से वह आगे का भारत का भविष्य बने जी। ओके आपको सर लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी जी। जो अभी रिसर्च कर रहे हैं हाँ। या फिर आगे करने वाले हैं, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है अगर उसके साथ जोड़े, अगर कोई भी एक आदमी जोड़ रहा है आपके साथ, उसको क्या ऐसा फायदा होगा या फिर क्या आपका फाउंडेशन कहीं आगे ले जाएगा उसको, क्या उसके बारे में उड़ीसा वासी या फिर जो रिसर्चर हैं हमारे स्टेट में उनको क्या बताएंगे आप? मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जो भी रिसर्च होता है, आज अगर हम रिसर्च के बारे में सोचे तो भारत के सभी विश्वविद्यालय मिला के 30 से 35 हजार विषयों पे
पीएचडी की जो डिग्री है वो देश भर में हर साल बांटी जाती है। मेरे जानकारी के मुताबिक भारत देश में तो इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अगर इतनी जो ये पीएचडी है, अगर सही में देश के बारे में सोच के इतने विषय पे अगर अनुसंधान होता तो भारत की सभी समस्याएं आज तक खत्म हो गई होती। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई क्योंकि रिसर्च का जो उद्देश्य है वह कुछ बदल गया है। अनुसंधान करना यह मूल उद्देश्य ना होते हुए पीएचडी की डिग्री पाना और खुद को डॉक्टरेट मिलाना, यह एक समस्या आज के तारीख में निर्माण हुई है। यह समस्या को मिटाने के लिए मैंने जो इसके पहले आपको बोला कि रिसर्च का पैराडाइम शिफ्ट करना है, मुझे भारत देश का प्रॉब्लम जो है वह लेकर उसके ऊपर अनुसंधान करना है। मुझे अनुसंधान में ये करना है कि ये जो अनुसंधान में पैसा लग रहा है ये मेरे देश के टैक्सपेयर्स ने दिया हुआ पैसा है, और ये टैक्सपेयर्स का जो पैसा है ये जब तक अनुसंधान में लगाते समय उसका फायदा मेरे सोसाइटी को, मेरे समाज को जब तक नहीं होगा तब तक के हमारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसलिए दोनों को जब तक एक साथ जोड़ते नहीं कि हमारी भारत की समस्याएं, हमारे भारत के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक अनुसंधान और वही अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालयों में होगा, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब भारत जो है वो विश्वगुरु बनने में कतई समय नहीं लगेगा, ऐसा हमारा मानना है। और भारतीय शिक्षण मंडल और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र पाठक जी, हमारे साथ इतने समय जुड़े रहे और हमारे स्टेट को इतने सारे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा वासियों को नम्र निवेदन करता हूँ, ये नदी को जानो जो प्रतियोगिता हमने आयोजित की है उसके पंजीयन की 30 नवंबर ये आखिरी तिथि है। आप हमारे भारतीय शिक्षण मंडल और रिसर्च का फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाइए, पंजीयन करिए और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आप भी सहभागी होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण शुणुले राजेन्द्र पाठक को जे कि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस रो फाउंडेशन रो जे सेक्रेटरी रही थे कहते जे विश्वविद्यालय हो किंबा क्षेत्र स्तर रे काम करथुबा चासीटी हो केवल पीएचडी बा डिग्री धरिया पाई से रिसर्च न करू भारत को आउ गोटे पाद आग को नबा पाई विश्व गुरु रो रेकॉर्ड रे निज भारत को एक नंबर स्थान रे स्थानित करिया पाई आउ गोटे पाद आग को जाऊ एवं रिसर्च भल भाव करी कोभली भाव रे निज नदी गाँ पठार नदी हो कि गंगा जमुना हो समस्त को किभली आग को निया जाई परिबो एवं विलुप्त प्राय नदी गुड़ी को किभली पुनरुत्थान करा जाई परिबो से सबु प्रति मध्य भारतर प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ प्रति ध्यान देले केवल भारत नुह समग्र विश्व रे आम ना विकास रो उच्च पहाच रे रही परिबो।